सो हे एवरीवन, आज हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करेंगे, वो भी इन कलर से। नहीं, आज इन कलर से नहीं करेंगे, आज हम पेंटिंग बनाएंगे कलर केक से। तो चलो अपने कलर केक लेकर आते हैं। तो अब टाइम है थोड़ा सा शो ऑफ करके इन्हें एक्सपेंसिव दिखाने का। सो अब हम अपना एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ आधी शिप ड्रॉ किए हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यार, पेंटिंग करने का बहुत ही सिंपल फंडा होता है कि आप पहले लाइटर शेड अप्लाई करो। तो बेसिकली मैंने यहाँ तीन कलर को ब्लेंड किया है, ऑरेंज, येलो और रेड। तो अब हम ब्राउन कलर में थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसे लाइट कर लेंगे, ताकि उनकी जटाओं पे हम पहले लाइट पेंट कर सकें, और हाँ, उसके बाद हम डार्क पेंट करेंगे। तो यार, अब हम डार्क रेड का यूज़ करके उनकी आईलेट्स पर भी पेंट कर देंगे। हमें यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे उनकी चिक बोन्स और चिन पर येलो पेंट करेंगे। फिर से हमें तीन कलरों को ब्लेंड करना है, ऑरेंज, येलो और रेड। तो अब हम उनकी जटाओं में डिटेलिंग ऐड करेंगे। सो बेसिकली हमें एक डार्क ब्राउन कलर से ये डिटेलिंग ऐड करनी है, और हाँ, ये यहाँ पर ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये मैसी हो सकता है। तो अब हम ब्लैक कलर से उनकी आईज पर डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे उनकी आईब्रो बनाएंगे और उनका आईलाइनर लगाएंगे। एज यू कैन सी कि ये अभी से ही कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और उनकी नोज में मैंने बहुत ही लाइट शेड का ब्लू कलर ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। मैं अपने शिवजी के लिप्स को पिंक कलर से पेंट करने वाला हूँ। इट्स टोटली अप टू योर इमेजिनेशन कि आप अपनी पेंटिंग को कैसा देखना पसंद करते हो। तो यहाँ हम अपनी पेंटिंग को लगा देंगे चार चांद, उनके चांद को पेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये एक लाइट शेड है, और उसके बाद हम शेडोज बनाएंगे ब्लैक कलर से। ये भी बहुत हल्के हाथ से ब्लेंड कर देंगे, ध्यान रहे ये की नहीं होना चाहिए। As you can see कि हमारी पेंटिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत बन के आई है। तो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।